الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا फसत आम कैफ़ा नज़ीर सदफ़ अल्लाजीम सूरतुलमल्क और आयत नंबर पंद्रह से इनशा हम दर्ज का आवाज़ करेंगे अल्हब्ल फरमाते हैं वजीजा वही है जिसने किया तुम्हारे आगे ज़मीन को नरम ताबेदार पस्त फ़मशोफ़ ही मना कि बिहा उस तो ज़मीन के कंधों पर तुम चलो वह क्लु मिल और उसकी दी हुई रोज़ी खाओ वह इले ही और उसी की तरफ जी कर उठना है इसमें देखिए कि इंसान को झंझोड़ा जा रहा है कि अपने अपने नीचे पाँव के नीचे जो ज़मीन है उसको देखो अल्लाह ने उसको जलूल जलूल के माना होते हैं फर्मा बरदार इस ज़मीन को आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फर्मा बरदार बना दिया आप उसके ऊपर हल चलाते हैं रोकती नहीं है आप उसको जो ना रोनते हुए चलते भागते दौड़ते हैं जी उसके सीने पे चढ़े हुए पस्त ताबेदार फरमा बरदार जलूल तुम्हारे लिए बनाया अगर अल्लाह इस ज़मीन को पत्थर की तरह सख्त बना देते तब तो उस समय कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते थे ज़मींदारा जरात तो नहीं कर सकते थे उसके ऊपर चलने में कितनी दुशारी होती उससे फ़ायदा उठाने में कितनी दुशारी होती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये ज़मीन को तुम्हारे लिए काबिल नफ़ा और फरमाबरदार हमने बनाया है इसलिए कहते हैं न, सनुरी ना सनरी हिमायात नाफिला कि हम अपनी निशानियाँ आस पास लोगों को अल्लाह फरमाते दिखाएंगे उनको अगर देखें इसलिए मुसलमान आंखें बंद करके ज़िंदगी नहीं गुजारता आंखें खुली रखता है अपने आस पास आगे पीछे आमने सामने पीछे ऊपर नीचे देखता है इसलिए कतने आगे बात आ रही है कि आसमान को देखो यहाँ बात आ रही है ज़मीन को देखो मुसलमान आंखें बंद नहीं करता अल्लाह ताला की मखलूक़ात में गौर करता है तो अल्लाह ताला तक उसकी रसाई होती है कि ये जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी ज़मीन हमारे फ़ायदे के लिए बनाई है चाहे तो हम इसमें जरात कर लें है चाहे तो हम इसकी खुदाई करें करके यहाँ से नीचे से ज़मीन से सोना निकालें पेट्रोल निकाल लें हाँ जी गैस निकालें खजाने छुपा दिए इसमें यह तो हमारी हिम्मत के ऊपर छोड़ दिया है फर्मा बरदार बना के छोड़ा है इसके ऊपर चलें इसके ऊपर दौड़ें इसका फमशोफ ही मनाकब यहाँ ये मनाकब अरबी जबान में मनकब की जमा है और मनकब जो है ना ये मुंडों को कहते हैं ये मुंडे और इनको कहते हैं मनकप मनाकब उसकी जमा है तो अब देखिए तो छोटा बच्चा होता है और वो बड़ा प्यारा होता है है ना जी तो वालिदैन इन प्यार करते हुए उसको अपने कंधों पे चढ़ा देते हैं अल्लाह फरमाते हैं कि ये ज़मीन देखें यहाँ हमवार मैदान भी आपको मिलेंगे यहाँ पहाड़ भी आपको मिलेंगे यहाँ वादियाँ भी मिलेंगी तो इंसान से कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह के लाडले हो इस ज़मीन को हमने तुम्हारे फर्मा बरदार बनाया है अब तुम इसके जो है ना कंधों पर चढ़ के चलते रहो फिरते रहो मैदानी इलाकों में दौड़ते भागते खेलते बोर हो जाते हैं तो पहाड़ों के सैर के लिए हम शूफ़ी मना की दिया वो पहाड़ों के पुष्ट पे सवार होते हैं तो गोया अल्लाह ये फरमाना चाहते हैं एक बुज़ुर्ग लिखते हैं कि इस ज़मीन को हमने तुम्हारे लिए जैसे एक फर्मा बरदार ऊँटनी होती है ऐसा बना दिया है अब इसके ऊपर चढ़ के तुम सारे जो है ना भाई चलते रहो सैर करते रहो वकुल मेरे रिज़् ही और उसके दिए हुए रिज़ को रोज़ी खाते रहो एश करते रहो सिर्फ़ इतना है कि एहसास ये करो कि इसका बनाने ज़मीन को बनाने वाला भी कोई है उसने हमारे लिए इतनी प्यारी ज़मीन बनाई हमें इसके जो भाई क्या कर दिया ज़मीन को हमारे ताबेदार कर दिया तो कम अज़ कम हमें उसकी ताबेदारी करनी चाहिए देखिए इंसान अपने जहन से सोचता है ये चीज़ें सोच के नतीजा अखज़ करता है कि अल्लाह ने यह ज़मीन बनाई इसी ज़मीन से हम गन्ना इसी ज़मीन से गंदम हासिल करते हैं इसी ज़मीन से पेट्रोल गैस फला चीज़ मादनियात हासिल करते हैं फर्मों परदार बनाए अल्लाह तला इसको कीचड़ की तरह जो है दलदल बनाते तो हम इसको इस्तेमाल करने के काबिल हमारे कोई फ़ायदे की ना होती ज़मीन और फिर ये ज़मीन आप देखें कि ये ज़मीन ठहरी हुई है क्या है अगर ये जो ना हिलती रहे हैं जी तो याद रखिए फिर तो हमारे लिए यहाँ वैसे कभी कभी जब जलजला आता है ज़मीन हिलती है तो हम तो कलमा पढ़ते हुए भाग जाते हैं घरों से निकल के अल्लाह ने इसको ज़मीन को क्या हिलती नहीं है हमें खौफ़दा जलूलन धाबेदार बना दी है क्या बना दिया <laughs> और फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि हमें इसके कंधों पे चढ़ा दिया कहा भाई अब चलो जहाँ जाना हुआ जैसे जो लाडला बच्चा होता है तो अल्लाह फरमाते हैं ये इंसान भी मेरा लाडला है ये, ये ज़मीन और पहाड़ इनके कंधों पे चढ़ के चलता रहे हो और खाओ पियो किसी चीज़ से मना नहीं ऐश करो लाडले हो लेकिन उस खुदा को नहीं भूलना जिसने ये सारी नियमतें दी हुई हैं ये सारी सहूलतें सारी आसाइशें उसने दी हुई हैं याद रखिए हम तो पाँच मल्ले का प्लाट नहीं ख़रीद सकते अल्लाह ने इतनी बड़ी ज़मीन दे दी <laughs> और उसके अंदर वो वो खजाने रखे कि जिनका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते इसलिए फरमाया हाँ आखिर में एक बात की वही नशूर और उसी की तरफ जीकर उठना उठने के चलना है ये देखिए ये नशर से नशूर इसके माना होते हैं उठना कबरों से उठेंगे क्यामत बात हो रही है ना आखिरत आखिरत की फिक्र की तवज्जो तो दिलाई जा रही है भाई ये जमीन तुम्हारी हो गई है दे दी है तुम और तुम्हें इसके कंधों पर सवार भी कर दिया है यहाँ पर जो चीज़ें हैं हलाल वो खाओ लेकिन अगले जहान के लिए तैयारी भी वही नशह और उसी की तरफ उठ कर खबरों से उठ कर उसी की तरफ जाना है अपना अपना बस्ता लेके अमाल का बुरे या अच्छे तो वहाँ जो कहते हैं ना इस्लामाबाद बुलाया है <laughs> बड़े बड़े ऑफिसर जो होते उनको हैं उनको कहते हैं भाई आप इस्लामाबाद आए बुलाया हुआ है तो हर इंसान ने अल्लाह के इस्लामाबाद में जाना है अल्लाह की तरफ जाना है अपना हिसाब किताब देना है यहाँ तो अल्लाह ने इतनी ज्यामतें दी हुई हैं ये दारुल इम्तिहान है ये दारुल जजा नहीं ये इम्तिहानी हाल है इम्तिहानी हाल में हम बैठे हुए हैं और ये कि अच्छा करेंगे बुरा करेंगे नतीजा आएगा क्यामत के दिन हमारे यहाँ भी नतीजा आने में छः महीने लगते हैं रिज़ल्ट आने में छः महीने लगते हैं लेकिन चूँकि ये एक बड़ा हाल है बड़ा इम्तिहान है और इम्तिहान देने वाले भी बहुत हैं इसलिए ज़रा नतीजा लेट आएगा हमेशा देखिए नतीजा लेट ही आता है हम गंदम ज़मीन में डाल देते हैं तो क्या अगले दिन जो है ना गंदम काटने जाते हैं नहीं नहीं छः महीने के बाद फिर उस गंदम को पानी देते हैं फिर उसकी जो है ना भाई खादें डालते हैं फिर मक्खियों से कीड़े मकोड़ों से उसकी हिफाजत करते हैं छः महीने के बाद जाके फसल तैयार होती है इसी तरह नेकियां हम करते नमाज़ पढ़ते रोज़ा रखते हज करते जक़ात देते इनफाफ़ी अल्लाह की राह में नफ़ली सदका करते ये सारे हमने गंदम का बीज डाल दिए थे अब छः महीने के बाद फिर फसल क्या होगी तैयार होगी कब क़यामत के दिन उस वक्त जाके फिर नतीजा सामने आ जाएगा और बाज़े लोग हुजूर के ज़माने में भी इतराज़ करते थे कि ये लोग आप कहते ना जन्नत मिलेगी हाँ जी जो ना आसाइशें मिलेंगी नियमतें मिलेंगी कहते कब जब क्यामत कईम होगी जब जन्नत मंजर आम पर आ जाएगी और वो तो बहुत दूर है इसलिए यह सौदा छुप चूंकि अब देखना हो कहते जक़ात दे दें पैसे अभी दे दें सवाब कब अजर कब मिलेगा जब क्यामत कईम हो जाएगी कहते हैं ये तो उधार का सौदा है उधार तो कोई देता <laughs> फिर कुरान ने कहा नहीं आप रोज़ रोज, रोज उधार का, का काम करते हैं सिर्फ नेकियों में आके आप उधार ना करें इसलिए फरमाया कि भाई ज़मीन में जो तुम क्या करते हो गंदम का एक दाना डाल देते हो उसमें से सात बालें निकलती हैं है कि नहीं कुरान सबाहनाबिल फीकुल्ली सुम बोलाती मिया तो हब्बा अब हर जो है ना सीटे में कितने सौ दाने एक गंदम के दाने से अल्लाह ने सात सौ दाने दे दिए लेकिन छः महीने का इंतज़ार करना पड़ता है इसलिए यहाँ भी एक नेक्की करोगे एक रुपये अल्लाह की राह में दोगे एक नमाज सात सौ बना कर देंगे लेकिन वक्त लगेगा क्या कायम होगी अल्लाह कहाँ यह सारा महफूज हो रहा है सारा इसके इसके जो इसके कहते हैं वही ले हिन्नूरू उसी की तरफ जो है ना उठ कर खबरों से उठ कर उसी की तरफ जाना है देखिए आखिरत याद दिला दी कि जिसने ज़मीन बनाई पहाड़ बनाए तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाए क्या वो हिसाब किताब नहीं करेगा बेटे को भी बाप पैसे देता है कि भाई ये कारोबार करो साल के बाद क्या करता है हिसाब किताब लेता है ये कोई खेल तमाशा नहीं है भाई हिसाब किताब होगा अच्छे बुरे की तमीज़ होगी इसलिए बार में कुरान में आता है ना हकीम हकीम अल्लाह क्या है हकीम है दाना है क्या मतलब कि उसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है इस दुनिया को बनाया यह भी हिकमत से खाली नहीं इसकी हिकमत आपको इम्तिहान में डाला मुझे डाला है आगे जवाब देना पड़ेगा लतुष नाइम ये कि हर नियामत के बारे में क्या किया जाएगा पूछा जाएगा हजर पाकल्लम हजरत उमर हजरत सिद्दीक एक दोस्त के यहाँ दावत हुई तो बहुत खुशगवार माहौल बाग़ में बैठ के दावत खाने के बाद हुजूर ने फरमाया हज़रत अबू सिद्दीक से हज़रत उमर से लतुसान हाज़र नईम ना फरमाया कि किमत के दिन इस नियामत के बारे में पूछा जाएगा कि इतना खुशगवार माहौल इतना अच्छा खाना बाग़ में छाँवों में बैठे हुए ठंडा मीठा पानी मिल रहा है दोस्त अहबाब की महफ़िल है जी कितनी बड़ी नियामत है और महफिल भी पैगम्बर सल्लाम की और फिर हज़रतबुल सिद्दीक हज़रतमर हमाय के लतलान हाजर ना नाई इस नियमत के बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि इतनी मेहरबानी हमने तुम पर की थी तुमने क्या किया था तुमने क्या किया तो इसलिए विल नशो वैसे मैं आपकी तवज्जो तो दिलाऊँ ना कि जब हम सोकर उठते हैं बेदार होते हैं तो उसमें भी एक दुआ है शायद आपको याद हो हाँ जी अलहदुल्लजी अहाना बाद विल नशूर देखिए पुरान की आयतः वही नशूर क्यों इसलिए कि बंदा जब रात को सोता है तो भाई नींद आती है। और आप समझ लें कि ये जो नींद होती है मौत ही है ये नींद तो मौत ही है पता कुछ नहीं चलता अब जब दोबारा बेदार होता है तो अल्लाह ताला ये हुजूर फरमाते कि ये दुआ पढ़ अलहमदिल्लाजी तमाम तारीफें उस के लिए कि जिसने हमें जिंदा किया बादमा अमातना मार देने के मौत के बाद ही और उसी की तरफ उठकर अब देखिए ना क़यामत के दिन कब्रों से उठकर नशोर नशर के माने आप जानते ना नशर फैलना कब्रों से उठकर फिर फैलेंगे हम इसलिए याद रखिए हर सुबह जब ये हम दुआ पढ़ते हैं तो हर इंसान के सुबह देखिए खबरों से उठेंगे और आज कहाँ से उठ रहे हैं बिस्तरे से उठ रहे हैं जब बिस्तर नरम गरम बिस्तरे से उठ रहे हैं यह दुआ पढ़ के अगर समझ कर पढ़े आदमी तर्जमा समझ कर पढ़े इसका मतलब यही होता है कि हर सुबह इंसान को क्यामत की सुबह याद दिलाती है कि आज हम मैं बिस्तर से जैसे उठाऊँ एक वक्त आएगा कि अपनी कबर से उठूँगा फिर कहाँ जाना है वही लेन शुरू हो कबर से उठ के अल्लाह की तरफ़ जाना है अल्लाह को अपना हिसाब किताब देना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस दिन के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए यह है उस उस दिन की तैयारी का वक्त ये दिन है ये जो 60, 70, 80 साल के दिन हमारे पास हैं ये उसी दिन की तैयारी के लिए अक्लमंद आदमी तो वो है कि ये 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी वो लाभ जो लाभतना ही ज़िंदगी मिलने वाली है वहाँ की राहत वहाँ की आसाइशों के लिए उसको क्या करे उसको उसमें भी कुछ करे मेहनत करे जद्दोजहद ये नमाज़ हम पढ़ते हैं ये दरस कुरान में बैठते हैं याद रखिए यही मेहनत है याद रखिए ये जो हम बैठते हैं आधा घंटा थोड़ा बहुत बैठते हैं ये कोई कारोबारी बैठक नहीं है ये आखिरत की फ़िक्र की बैठक है कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ देंगे अपने आप आखिरत में ये बात काम देगी कुरान की तालीमत में से हर इतवार को एक तालीम जहन में आ जाए उस पर अमल हो जाए तो क्या हो जाएगा हफ्ते में चार तालीमत कुरान की उन पर अमल हो जाए महीने में चार इतवार आते हैं अब मिलाते जाए मिलाते जाएँ एक बात ही समझ आ जाए कि यह दुनिया फ़ानी है नशूर कब्र में जाना है और उठ कर उसी की तरफ जाना है अपना हिसाब किताब पेश करना है तो फिर हिसाब किताब के लिए बंदा तैयार होता है हम हिसाब किताब के लिए कोई तैयार नहीं याद रखिए एफ बी आर वाले आ रहे हैं वकील करते हैं हिसाब किताब देना है तैयारी करनी है वहाँ एफ बी आर वालों को थोड़े पैसे दे दें दे, मामला ठीक हो जाता है यहाँ तो फरिश्ते होंगे वहाँ रिश्वत भी नहीं चलेगी हिसाब सीधा सीधा लिया जाएगा इसलिए दुआ यह फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल लज़त हमें तैयारी की तोफ़ी कताफ़रमाए ये जो हम कुरान पाक की मजलिस लगाते हैं जुमे की मजलिस लगाते हैं दीन की मजलिस लगाते हैं ये उसी आखिरत की तैयारी के लिए मिल बैठ के हम सब मिल जुल के अल्लाह से दुआ करेंगे कभी कोत ही अल्ला दूर ऊफलतूर फ़रमा दें देखिए विल हिन्न नशूर वह दुआ आप ज़रूर पढ़ लें जब सुबह उठें बेदार हो जाए अलहमद ला लजी अहियाना बदमाँ विल हिन्शूर देखें ना विल हिन्न नशूर यहाँ आयत में ये आयत नंबर पंद्रह में ये पाक सल्लम से जो दुआएं मनकूल है ना ये कुरान ही की तालीमत है कुरान ही की तालीमत का खुलास और उसमें कोई ना कोई अकीदा बयान हुआ होता है अब देखिए वहीले ही नशूर में क्या बयान हो रहा है आखिरत का अकीदा क्यामत का अकीदा बयान हो रहा है आगे फरमाते क्या तुम बेखौफ हो गए हो उस खुदा से जो आसमानों में यक सिफ अभी कुमल अर्जो तुम्हें जमीन में दसा दे फमोर और वो ज़मीन फिर चल पड़े देखिए मारा या मोरू अरबी ज़बान में कहते हैं हरकत है जल्दी हरकत करने को कहते हैं देखिए ये ज़मीन ठहरी हुई है कहते हैं कि भाई अल्लाह तुम्हें इस ज़मीन में धसा दे और फिर ये ज़मीन चल पड़े देखिए ना यहाँ अमन से हम रहते हैं सुकून से अगर ये ज़मीन जल्दी जल्दी जो ना अपनी जगह से फिसल जाए तो कितना खौफदारी होगा कहते हैं क्या तुम आसमान वाले के हवाले से बेखौफ हो गए हो कि गुनाह करते हो शिर करते हो बुद, बुद परस्ती करते हो कुफर करते हो कि वो तुम्हें जमीन में दसा देगा फिर खौफ नहीं आता इसलिए कहते हैं अमीन तुम फिस समा। वैसे अल्लाह तो हर जगह मौजूद है लेकिन अमूमन लोग यही समझते हैं तासुर यही होता है कि जी वो अल्लाह आसमानों पर मौजूद है इसी हुजूर के सामने भी एक देहाती आए तो हुजूर ने उनसे पूछा कि अल्लाह पे यकीन रखते हो उनका हाँ कहते अल्लाह किधर उन्होंने ऊपर इशारा किया ये आम फहम समझाने के लिए वरना अल्लाह के लिए कोई मकान नहीं किसी खास जगह में अल्लाह बंद नहीं है भाई मुखै नहीं है फिर माता यक सिद्ध और ये हो चुका है ये नहीं कि नहीं हुआ है तो देखिए मुस्लिम शरीय जिलसानी में आज ही का सबक सुराका बिन मालिक के साथ हुआ कि नहीं हुआ हिजरत के सफर में हुजूर पाक असलम सफर कर रहे थे वो जो है इनाम के लालच में उसने हजूर का तकुब किया बड़ा सरदार था अपने इलाके का उसके कबीले के इलाके से गुजर रहे थे तो उन्होंने ताकुब किया कि पकड़ कर, के हवाले करें सौ ऊंट ले लें इनाम तो याद रखिए जिस घोड़े पे सवार होकर ताकुब कर रहा था वो जमीन में धस गया और ये भी जमीन में धस गए उन्होंने फिर हुजूर से दरखास्त की कि जी आप दुआ करें कि ये जमीन मुझे छोड़ दे तो मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा यह मुस्लिम शरीफ जिल्लसानी में सही हदीस मौजूद हजूर ने दुआ की जमीन ने उनको छोड़ दिया वल्ला जुनूद ही वल याद रखिए ज़मीन और आसमान के लश्कर किन के हैं अल्लाह के लिए अलग फौज पालने की ज़रूरत जब ज़रूरत होगी ज़मीन को हुक्म देंगे वह दसा देगा जब चाहे आसमान को हुक्म देगा वह पत्थर बरसा देगा वलिला जुनूद ही वर्जा आसमानों और जमीन के लश्कर अल्लाह के लिए जब हुक्म देगा काम मकड़ी का नहीं देखा हिजरत के सफर में जालत आंद हाँ जी लश्कर का काम ले रहे हैं अल्लाह जमीन सुराखा बिन मालिक जमीन ढंस गए और अजीब बात यह कि यही सुराखा बिन मालिक अपने सरदार थे हजूर का ताकुब करके पकड़ के कुरैश के हवाले करना चाह दुश्मन थे एक मिनट का कर... मुसलमान तो नहीं हुए लेकिन दोस्त बन गए उन्हों, उन्होंने कहा कि जी मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा इस एरिया में कोई भी आप लोगों के बारे में पूछेगा मैं कहूँगा यहाँ कोई नहीं जो पकड़ने आए थे वही मुहाफिज बन गए जब अल्लाह किसी का हो जाता ना तो सारी चीज़ें ज़मीन भी उसकी सुराखा भी उसकी हिमायत में उठ खड़े होते हैं बाज़ लोग आते हैं बच्चे बात नहीं सुनते हमारे पास आते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि जी जो है ना भाई मुखालफी चढ़ दौड़ रहे याद रखिए जब हम अल्लाह से अपना तल्लुक मजबूत करेंगे अल्लाह के हम फर्मा बरदार होंगे तो बच्चे हमारे फर्मा बरदार होंगे कोई भी मखलूक हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे देखा सुराखा पकड़ने के दुश्मन ताकुब कर रहे थे दोस्त बन गए उन्होंने कहा कि जी अच्छा उनसे पूछा जाता था कि ये दो बंदे इस किस्म के ख़तरनाक बंदे इस एरिया में को नहीं, 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 तो कोई नहीं नहीं यहाँ तो कोई रास्ता साफ हो गया दुश्मन को अल्लाह ने क्या बनाया अल्लाह चाहे तो दुश्मन को दोस्त बना दे ज़मीन को अल्लाह ताली चाहे तो याद रखिए उसको हुक्म लश्कर बन जाए फौज का काम दे दे इसलिए याद रखिए कि हम अपना ताल्लुक अल्लाह से मज़बूत करें अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होगा किस कुरान के जरिए क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है इसको पढ़ेंगे अल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी इसको समझेंगे अल्लाह से ताल्लुक बढ़ेगा अल्लाह से जो है ना याद रखिए ताल्लुक बढ़ेगा तो अल्लाह के हुक्मों पर चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा इसलिए फरमाते हैं फैज़ा या तमूर मारा या मूरू के माना होते हैं हरकत सरिया जल्दी हरकत करना तो ये ज़मीन जो है ना भाई फिसल जाए हरकत करे कितने खौफजदा हो जाओगे हम अम अमिन तुम मन फिसमा क्या तुम बेखौफ हो गए हो उस खुदा से जो आसमान में है हासिबा के वो तुम्हारे ऊपर हवा भेज दे पत्थर बरसाने वाली कौम लूत के साथ ये हुआ था कि नहीं कौम लूत के साथ यही हुआ था ना हासिब के मान होते हवा जो पत्थर बरसाए संसार करे कौम लूत के साथ यही हुआ था समझ गए कि नहीं हवा अल्लाह ने भेजी भेज दी उन्होंने उनको, उनको पत्थर मारे संसार किया उनको कहते हैं कि तुम बेखौफ होके बैठे हो अल्लाह की शिरक भी करो और जो है ना कुफुर भी करो गुनाह भी करो कौम कौमल के ऊपर तो अल्लाह ने पत्थर बरसाए थे क्या तुम्हारे ऊपर नहीं बरसाएगा अल्लाह हवा को हुक्म दे वाल जुनूद जुनूद थी यह हवा को हुक्म दे दे पत्थर बरसाए ये हवा भी अल्लाह का लश्कर अल्लाह की फ़ौज इसलिए फरमाया हाँ सित कैफ नज़ीर जान लो गेब जान लोगे गे नज़ीर मेरा इंजार कैसा है मेरा डराना इंजार डराना बेदार करना आगाह करना सारे तर्जे हो सकते हैं धमकाना क्या मतलब मैं ये जो कहता हूँ अल्लाह फरमाते हैं कि भाई कुफर करोगे परस्ती करोगे आसमान से जो है याद तेज़ हवा आएगी तुम्हारे ऊपर तुम्हें, तुम्हें संसार पत्थर मार मार के तुम्हें ख़त्म किया जाए कहते हैं कि ये धमकी जो है हमारा धमकाना आसान लो इसको ईजी ना लिया करो कौमू के साथ यही हुआ है और कौम नूत का उनका हवाला इसलिए देख अपने तजारती सफर में उन इलाकों से क्या करते थे गुजरते थे तजारती सफर में वहाँ से जाते थे उनके खंडरात, वो चीज़ें जानते थे देखते थे दुआ फरमाए अल्लाह रबुजत हम सबको कुरान के साथ अपने तल्लुक को दीन के साथ अपने तल्लु को मजबूत से मजबूत करने कुरान को वक्त देने दीन को समझने के लिए वक्त देने की तोफ़ी क़ा फरमाए अपनी आखिरत के लिए वही जिसकी तरफ हमने अपना अपने अमाल का बस्ता लेके जाना है उसके लिए तैयारी की तौफीक खताब फरमाए